अगर आप भी अपने वॉलेट या प्रीपेड कार्ड्स को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी NBFC से क्रेडिट के तौर पर लोड करते हैं यानी इनमें पैसे भरवाते हैं तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हुआ यह है कि रिजर्व बैंक ने NBFC को इस तरह के वॉलेट्स और प्रीपेड कार्ड्स को लोड करने से रोक दिया है। 20 जून को RBI के जारी किए गए एक क्लैरिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है। अब इसका सीधा असर फिनटेक स्टार्टअप्स के कारोबार पर पड़ेगा। दूसरा असर आप पर पड़ने वाला है क्योंकि आप अब इनसे क्रेडिट लाइन लेकर अपने वॉलेट्स या कार्ड लोड नहीं करा पाएंगे। नए बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। जाहिर तौर पर इससे शॉपिंग और दूसरे खर्चों की आपकी प्लानिंग पर भी चोट लगेगी। इन वॉलेट्स या प्रीपेड कार्ड्स को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI कहते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट लाइन के जरिए टॉप अप नहीं कराया जा सकेगा। RBI ने कहा है कि इस नियम का पालन नहीं करने वालों पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्लाइस, लेजी पे, जुपिटर, फाई और यूनी जैसे फिनटेक स्टार्टअप्स को इससे तगड़ा झटका लग सकता है। जुपिटर जैसी कंपनियां कस्टमर्स को क्रेडिट लाइन देती हैं और इससे वॉलेट्स को लोड किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्लाइस और फाई प्रीपेड को ब्रांडेड कार्ड्स के लिए क्रेडिट ऑफर कराती हैं। इन कंपनियों ने ऐसी क्रेडिट लाइन जारी करने के लिए बैंकों के साथ पार्टनरशिप की हुई है। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को कैश, बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के इस्तेमाल से लोड किया जा सकता है। नई गाइडलाइंस के तहत इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट लाइन के जरिए टॉप अप नहीं कराया जा सकेगा। अब इससे क्रेडिट लाइन जारी करके यूजर्स को बाद में भुगतान यानी पे लेटर की फैसिलिटी देने वाली कार्ड बेस्ड फिनटेक्स का धंधा गड़बड़ा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि RBI का क्लैरिफिकेशन ऐसे वक्त पर आया है जबकि डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का अंबार बड़ा होता जा रहा है। इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। रिजर्व बैंक पिछले साल के आखिर में बड़ी तादाद में ऐसे ऐप्स पर चाबुक चला चुका है, लेकिन लोगों के साथ ठगी और फर्जीवाड़े का खेल अभी भी थम नहीं पाया है। पिछले हफ्ते ही रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने वाला है। खैर, लोन ऐप्स पर लगाम लगाने की RBI की कोशिशें कितनी सफल साबित होंगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कंज्यूमर्स के लिए 1 जुलाई से ये संकट पैदा होने वाला है कि वे फिनटेक कंपनियों से कर्ज लेकर अपने वॉलेट्स और कार्ड में पैसे नहीं डाल पाएंगे, यानी आपकी शॉपिंग की प्लानिंग गड़बड़ा सकती है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।